रेसिपी है चिकन शामी कबाब की, जिसमें हमारे इंग्रेडिएंट हैं चिकन 1 किलो, दाल आधा पाव, 6 से 7 हरी मिर्चें, कुटा हुआ अदरक लहसुन पेस्ट, साबुत धनिया ज़ीरा भुना कुटा, कुटी लाल मिर्च, 1 प्याज, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, उबले हुए आलू 1/2 किलो से कम, 1.5 पाव लगा सकते हैं, चॉप्ड की हुई प्याज, चॉप्ड हरी मिर्च 3 से 4, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 से 1.5 गिलास पानी। अब हम अपनी सारी चीज़ें अपने प्रेशर में डालेंगे। ये मैंने धोकर सुखाई है, प्याज जाएगा इसमें भुनी कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला भुना कुटा, चॉप्ड अदरक लहसुन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मसाला। अब हम इसमें डालेंगे पानी, डेढ़ गिलास तकरीबन हमारा इसमें पानी डाला है। अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छी तरह से गल जाए। ये हमने प्रेशर खोला है तो ऐसी शक्ल आनी चाहिए। ये हमारी चिकन और दाल ये रेडी हो चुकी है, देखिए इसमें कोई पानी का एक कतरा तक नहीं। अब इसे हमने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है। उसके बाद मैं आपको इसमें आलू, चॉप्ड प्याज, हरी मिर्च, 1 अंडा और हरा धनिया उसमें मिक्स करूंगी। ये हमने चॉपर में ग्राइंड कर लिया है, इसे अब हम इसमें आलू डालेंगे, उबले मैश किए हुए आलू, चॉप प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया। अब हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश करेंगे। ऑयल लगाएंगे हाथों पर, इसे हम हाथ की मदद से या आप शेपर की मदद से शामी कबाब बना लें। अंडे में डिप करना है, ब्रेड क्रम्स लगाने हैं और इसे इधर रख देना है। ये हमने अपना एयर फ्रायर पहले ही प्री हीट पे लगाया हुआ था, अब हम इसको खोलते हैं और इसे हम बाहर निकालते हैं। ये देखें, साइड चेंज करते हैं, ये एक साइड पक चुकी है। हाथ की मदद से या आप किसी भी चीज़ चमचे की मदद से आप इन्हें साइड को पलट दें और इसे फिर से बंद कर दें। टोटल 10 या 12 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, अब हम इसे बंद करेंगे।
ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई, अब हम इसे निकाल लेंगे, इसे रखेंगे। ये बहुत क्रिस्पी है, आवाज से देखें। बहुत गर्म है, कैचअप के साथ सर्व करें या चटनियाँ जो भी आप लाइक करते हो। अब हमारी ये रेसिपी कंप्लीट है, आप घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हमने ब्रेड क्रम्स और अंडा डिप करके बनाई थी, अब ये हमने विदाउट ब्रेड क्रम्स बनाई है। आप इसको अंडा लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं इसके अंदर।